मैं डॉक्टर आशीष जैन NIEPBD से आपको नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और लॉकडाउन की सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संबंधित सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज मैं देख रहा हूं, जैसे कि कई सारे ट्रीटमेंट बताए जा रहे हैं, क्लोरोक्विन के बारे में, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। मेरा आप सबसे ये अनुरोध था कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा फेक न्यूज जो मैं देख रहा था कि मेटल सर्फेसिस पे ये वायरस कई दिनों तक रह सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये वायरस मेटल सर्फेसिस पे भी 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। अगर ये मेटल सर्फेस घर के अंदर है, घर के बाहर धूप में शायद 3 या 4 घंटे से भी ज्यादा ना रहे। और अगर आप घर के बाहर हैं तो मेटल रेलिंग्स, डोर नॉब्स, डोर हैंडल्स को छूना अवॉइड करें। घर के अंदर हैं और आपके घर में इस तरह का कोई सरफेस है तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात यह कि आप अपनी स्वच्छता पर ध्यान रखें। हर 20 मिनट पे 20 सेकेंड के लिए आप अपने हाथों को धोते रहिए। इस प्रकार आप संक्रमण से बचे रहेंगे। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में मेरा आप सबसे अनुरोध था कि आप धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर में आप गर्म पदार्थ जैसे कि गर्म दूध, सूप इत्यादि लेते रहें। इससे हमें 2 फायदे हैं। एक तो आपका गला सूखेगा नहीं। इस परिस्थिति में हम ठंडे पेय, ठंडे पदार्थ और ठंड लगना, तीनों चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनका कोरोना संक्रमण से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पर ये हमारी रोग से लड़ने की क्षमता को कम करेंगे, इसलिए इनसे हम बचना चाहेंगे। आपको ये जान के हर्ष होगा कि 80% लोगों में कोरोना का संक्रमण बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। आपको शायद पता भी ना चले कि आपको ये रोग हुआ था। फिर भी आपको 2 हफ्ते के आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, पर यह आपकी सेफ्टी के लिए है। इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां और फल नियमित रूप से लेते रहिए, क्योंकि इनसे आपके शरीर में विटामिन और जिंक की मात्रा बढ़ेगी, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस से जीतने के लिए एक सिंपल मंत्र है, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज। धन्यवाद।